हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक बहुत ही गुड न्यूज बताने वाला हूँ कि कार मैनिफेस्ट हो चुकी है। अब ये कार किसकी है? ये कार मेरी तो बिल्कुल नहीं है, ये कार है मेरे दोस्त की, जिन्होंने बहुत ही मैजिकल तरीके से कार मैनिफेस्ट किया है और इतनी आसान टेक्निक से कार मैनिफेस्ट हुई है कि इस टेक्निक की मदद से आप अपनी किसी भी इच्छा को बहुत ही आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है इस टेक्निक की कि ये बहुत ही सिंपल है और आपको ना विजुलाइज करना है, ना आपको एफर्मेशंस बोलने हैं, ना आपको कुछ दिमाग में मेडिटेशन करना है, ना आपको सोचना है, कुछ नहीं करना है। मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, मैं आपको वो फोटो भी दिखाऊंगा कार की जो उन्होंने लगाई थी जिससे कि उनकी कार मैनिफेस्ट हो गई थी, ठीक है? तो सब कुछ बताऊंगा, पहले प्रोसेस जान लेते हैं कि प्रोसेस क्या था, कैसे उन्होंने कार को मैनिफेस्ट किया था। तो दोस्तों ये मेरे दोस्त की कहानी है जिनसे आज मेरी बात हो रही थी और मेरे को पता भी नहीं था कि उन्होंने कार को मैनिफेस्ट कर भी लिया है। मैं ऐसे ही बात कर रहा था, बात करते करते मैंने पूछा कि आपके मैनिफेस्टेशन का क्या हुआ। तो हुआ यह था कि करीबन जनवरी में, इसी जनवरी में 2024 में हमारी बात हुई थी और वो बहुत ही लेम मैन जैसे है, मतलब उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, आप कुछ भी नहीं पता समझ लो, ठीक है? तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप इतने बड़े कोच हो और इतने सारे लोगों को सिखाते हो, तो मेरे को भी कुछ ऐसी टेक्निक बताओ जो बिल्कुल सिंपल हो, मेरे को ज्यादा तामझाम नहीं करना है, ऐसा उन्होंने कहा था। मेरे को ज्यादा लिखना नहीं आता, मेरे को ज्यादा बोलना नहीं आता, ना ही मैं अफर्मेशंस लिख सकता हूँ, ना ही मेरे को बोलना आता है, ना ही मैं विजुलाइजेशन मेडिटेशन ये सब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है ना। तो उनका प्रोफेशन बहुत ही सिंपल है। तो ऐसी बात हो रही थी तो मैंने कहा कि ठीक है, आप एक काम करो, आप बाथरूम में एक कार की फोटो लगा दो। और उसके बाद मैंने क्या कहा था वो मैं आपको टेक्निक में बता देता हूँ, क्योंकि सब यही बताऊंगा तो फिर आप यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। तो टेक्निक ये थी कि आपको क्या करना है, जो भी आपकी इच्छा है, ठीक है, मान लो आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कार मैनिफेस्ट करना चाहते हो जैसे उन्होंने किया था, मान लो आप पैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, मान लो आप अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मान लो आप कोई रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बैड रिलेशनशिप था पहले पास्ट में उसका भूलना चाहते हो, या जो भी आपकी इच्छा है, करियर से रिलेटेड आप जॉब बिजनेस ग्रोथ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो जो भी आपकी इच्छा है सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी एक फोटो आपको निकालनी है। गूगल पे आपको बहुत ही आसानी से फोटो मिल जाएगी, जैसे हम एक विजन बोर्ड बनाते हैं तो वो फोटो हमको गूगल पे ही मिल जाती है अवेलेबल। तो जो भी आपकी इच्छा है उसके बारे में आपको एकदम स्पेसिफिक तरीके से पता होना चाहिए, यानी कि स्पष्ट तरीके से पता होना चाहिए कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो जॉब आपको पता होना चाहिए कि मेरे को किस कंपनी में जॉब चाहिए, ठीक है? और अगर आप कोई कंपनी स्पेसिफिक जॉब नहीं करना चाहते, यानी कि आप कोई सैलरी वाली जॉब करना चाहते हैं, यानी कि आपकी सैलरी है अभी 50,000 और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं लगभग 1,00,000 रुपये या 80,000 रुपये की जॉब, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। आप कोई भी एक बिल्डिंग की फ़ोटो ले सकते हैं, उस लिख सकते हैं ये कंपनी में मैं काम करता हूँ, ठीक है? उसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है, क्योंकि अभी तक वो जो फ़ोटो थी वो आपके नहीं थी, वो थी गूगल की या किसी और की। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वहाँ पर अपना नाम लिखना है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कार की फ़ोटो ली स्विफ्ट डिज़ायर की और उन्होंने मैनिफेस्ट किया ये कार मेरी है। तो उन्होंने ऊपर में नाम लिख दिया, अपना नाम लिखा, जो भी मैं पर्सनल रखना चाहूँगा, डिटेल नहीं बताऊँगा और उस नाम को भी छुपा दूंगा, ठीक है? नाम लिखा, उसके नीचे लिखा उन्होंने जो मॉडल है, यानी कि स्विफ्ट डिज़ायर, ठीक है? उसके बाद उसका जो अलग अलग मॉडल्स आते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, नीचे में प्राइस लिखा था उन्होंने 7,85,000 के आसपास, ठीक है? और इसके बाद उन्होंने लिखा था मैं ये कार कब तक मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने डेट लिखी थी अक्टूबर की और उनकी कार मैनिफेस्ट हुई जुलाई में, जो पता चली मेरे को अभी, ठीक है? तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था और मैं ये स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी सिंपल टेक्निक की तलाश कर रहे हैं जो आपको सब कुछ दे सके, ठीक है, आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा मैनिफेस्ट हो, क्योंकि ये छोटी मोटी इच्छा नहीं है, 7-8 लाख की कार लेना कोई बहुत छोटी मोटी इच्छा तो नहीं है और बहुत बड़ी इच्छा भी नहीं है, लेकिन हाँ, आप अगर 7 लाख रुपये भी मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं वो भी 6 महीने के अंदर, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करना चाहता था कि आप क्या करेंगे, आप कोई भी अपनी फ़ोटो लेंगे, मतलब इच्छा की फ़ोटो लेंगे, जॉब की, करियर की, बिजनेस की, हेल्थ की या फिर मनी की। तो आप मनी का कैसे करेंगे, मनी की फ़ोटो भी आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, ठीक है? अगर आप वहाँ सर्च करेंगे 1,00,000 रुपये तो वहाँ पर 1,00,000 रुपये की फ़ोटो आपको मिल जाएगी। मैंने अपनी विजन बोर्ड में 3,00,000 रुपये की फ़ोटो लगाई है, तो उसमें 500 रुपये की जो 100 नोट होते हैं वैसी 6 गड्डियाँ हैं, तो मतलब वो 3,00,000 रुपये हैं। तो मैं उसको देखता हूँ, मेरे
मैजिक चेक में भी 3 लाख रुपए हैं, मेरे एफर्मेशंस में 3 लाख है, स्क्रिप्टिंग में भी 3 लाख लिखता हूँ, मेरे विजुअलाइजेशन में भी 3 लाख है। तो वो जो आप अमाउंट या जो भी आप करियर, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, जो भी आप फोटो लेंगे वो आपके हर जगह होनी चाहिए। अगर आप एफर्मेशंस लिखते हैं तो एफर्मेशंस कैसे लिखना है वो आपको नहीं पता, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ पर मैं एफर्मेशंस, मेरी ई बुक है, वहाँ से आप ई बुक खरीद सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल प्राइस है। और ई बुक से आप एफर्मेशंस लिखना केवल 10 मिनट में सीख सकते हैं। तो एफर्मेशंस अगर आप लिख लिए तो बेस्ट है, अगर आप नहीं लिखे हैं, अगर आप सिर्फ फ़ोटो से मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप बाथरूम में, मैंने उनको कहा था कि बाथरूम में जब वो नहाने जाते हैं या फिर फ्रेश होने जाते हैं या फिर समझ पा रहे हो आप, ठीक है, ब्रश करने जाते हैं, तो उस समय उनको देखना है फ़ोटो को, ठीक है। मैंने जैसे बताया था डॉट मैनिफेस्टेशन में, मैंने अपना खुद का दिखाया था कि मैंने क्या लिखा है डॉट मैनिफेस्टेशन में, वहाँ भी 3 लाख रुपये लिखे हैं मैंने, तो वो वीडियो आप देख सकते हो डॉट मैनिफेस्टेशन की। वैसे ही उन्होंने भी किया, जनवरी से फ़ोटो लगा दी और जुलाई तक उनकी कार घर में आ गई, ठीक है। तो जो कार उन्होंने मैनिफेस्ट की थी वो थी स्विफ्ट डिज़ायर, और जो कार उनके घर आई वो है i10। लेकिन कमाल की बात यह है कि मैनिफेस्ट हो गई, विश्वास नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी मैंने जैसे कहा कि तुमको बस देखना है और ना कुछ बोलना है ना कुछ सोचना है, ठीक है, अपना नाम उसके ऊपर देखना है तुमको, जब तुम फोटो देखोगे तब तुम्हारा नाम ऊपर में लिखा है तो तुम लिख सकते हो ओनर, ओनर डैश करके अपना नाम। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप उस कार को ओन कर रहे हो, वो कार आपकी है, आप उस कार के मालिक हो, या आप देख रहे हो रोज, ठीक है। तो जब आप रोज देखोगे कि वो कार आपकी है, ये कार मेरी है, ये कार मेरी है, तो कभी ना कभी वो कार तो आपकी होगी। अब ये कोई डेडलाइन नहीं है कि 6 महीने में इच्छा पूरी होगी, हो सकता है आपकी इच्छा छोटी हो तो जल्दी पूरी हो जाएगी, जितनी बड़ी इच्छा होगी उतना ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन मैजिक में टाइम नहीं लगता है। आपको बस अपनी इच्छा को देखना है फ़ोटो के जरिए, और वो इच्छा कब मैनिफेस्ट होगी इसके बारे में आपको नहीं सोचना है, उसको आपको यूनिवर्स पे छोड़ देना है, सरेंडर कर देना है, और आपकी इच्छा कभी भी मैनिफेस्ट हो सकती है। तो ये फ़ोटो है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये फ़ोटो उन्होंने लगाया था, और इस फ़ोटो को देख के उन्होंने कार मैनिफेस्ट किया केवल 6 महीने के अंदर। तो अगर आपकी कोई भी डाउट है इस टेक्निक से रिलेटेड तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अगर आप मेरी एफर्मेशन ई बुक खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड तो नीचे कैलेंडर में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप कॉल वो करके मेरे से बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।